अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त? ठीक ठाक। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मिक्स कच्चे मसाले का सालन, और इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च और कुटी हुई मिर्च होती है ना, कुटी हुई साबित मिर्च जो होती है कुटी हुई, वो मैंने ऐड किया है। और थोड़ी हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा जो है साबित धनिया और ऑयल, 2 गिलास पानी डाल के मैंने चढ़ा दिया। और अभी ये पक रहा है। प्याज देखें ऐसी हो रही है, बिल्कुल मोटी मोटी सी। अभी देखना, ये सारा मैं भून लूँगी। अभी ये जब पानी खुश्क होगा ना, मैं इसको भूनूंगी। हमारे यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पकौड़े, और ये तो फ्राई हो रहे हैं, और ये वाले फ्राई हो चुके हैं। देख लें, इतने अच्छे सॉफ्ट, बिल्कुल ही गर्रा करीब करके दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे बने हैं। और अभी ये वाले फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पे सालन जो है ना वो रेडी हो रहा है। मैंने बताया था ना कि देखिए कैसे सूख गया। अब इसको भून के जो है आलू डाल दूँगी मैं। आज हमारे घर में है पकोड़े और शरबत इफ्तारी में, और खाना है आलू गोश्त का सालन, चावल है और लेमन है, अचार वगैरह है। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। रोज़ रोज़ इफ्तारी भी जो है ना, बस हम लोग खाना ही खा लेते हैं, कभी कभी चेंज कर लेते हैं इस तरह। तो अभी हम दुआ कर रहे हैं, इफ्तारी का टाइम करीब करीब है। हमारा खाना भी रेडी हो गया है, और इफ्तारी के लिए हम दुआएं कर रहे हैं। ये चावल बने हैं गर्मा गर्म, और ये बना है आलू गोश्त का सालन गर्मा गर्म। बुरी हालत हो रही है कि मैं सामने भी नहीं आ रही, क्योंकि मेरी बहुत कंडीशन बुरी हो रही है। आज खाना मैंने बनाया ना, कि आज मेरी बारी थी खाना बनाने की। खाना खाने लगे हैं सब, और मैं लेमन के बगैर तो खाना खाती नहीं हूँ। मुझे आलू गोश्त के सालन में नींबू बहुत पसंद है, तो मैं खाना खाने लगी। मनाही रोल में हम लोग खाना खा रहे हैं। बनाई है दादा ने मनाहिल के लिए कश्ती, और ये देखें मनाहिल अब कश्ती में बैठ के जाने लगी है। गाइस मनाहिल अब ना कश्ती में बैठेगी, और ये जाएगी पानी के जहाज में, सही है ना? अब्बू वहाँ बैठे हैं। गाइस को दिखाओ, गाइस को दिखाओ, इधर इधर लेकर आओ कश्ती, दिखाओ गाइस को, दिखाओ। अरे कहाँ है भाई, कहाँ है? ये कश्ती है मनाहिल की बनी हुई।